हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो कि सागर एमपी की एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी के पीएचडी प्रोग्राम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, किसी भी पॉइंट पर कहीं पर भी आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि मैम कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जनरली अगर आप पीएचडी करते हो तो आपकी डिग्री को काफी वैल्यू होती है। सो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो आपको इस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना है तो आप मतलब बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, आप यहाँ से पीएचडी कर सकते हो, आपकी डिग्री को काफी वैल्यू भी होगी। तो उसके लिए आपको पहले यहाँ पर एडमिशन लेना है। तो एडमिशन के लिए पहले यहाँ पर आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास करना होता है, पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको क्वालिफाई करना होता है। सो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को आपको किस तरीके से फॉलो करना है, पैटर्न क्या होने वाला है, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होने वाला है, प्रेपरेशन किस तरीके से आपको करने हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पर इस वाली स्लाइड में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, पहले मैं आपको यहाँ पर पैटर्न बता दूं, ठीक है। पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, ये आपका 70 मार्क्स का होता है, याद रखिए आप, ये जो एग्जाम होता है ये आपका 70 मार्क्स का एग्जाम होता है। अब इस एग्जामिनेशन को आपको किस तरीके से इन्होंने स्प्लिट करा है, ठीक है, 70 मार्क्स को आपको ये देखना है कि किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर स्प्लिट करा है। 70 मार्क्स में से यहाँ पर इन्होंने दो पेपर्स को 70 मार्क्स में स्प्लिट करा है, पेपर वन एंड पेपर टू, ठीक है। अब जो पेपर वन है, पेपर वन में आपको 50 एमसीक्यूज पूछा जाता है, जो कि होते हैं आपके रिसर्च मेथडोलॉजी पर, ठीक है, जो कि जनरली सारी यूनिवर्सिटीज का इस तरीके से ही पैटर्न होता है। और पेपर टू में अगेन आपको 50 एमसीक्यूज पूछा जाएगा आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक पर, ठीक है, यानी जिस भी सब्जेक्ट में आप रिसर्च कर रहे हो। अब यहाँ पर जो आपका रिसर्च मेथडोलॉजी है, रिसर्च मेथडोलॉजी में आपको हर एक क्वेश्चन जो होता है, हर एक एमसीक्यू जो होता है, ये 0.7 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से सब्जेक्ट स्पेसिफिक में भी 50 एमसीक्यू आपसे पूछा जाएगा और हर एक क्वेश्चन जो होगा, हर एक एमसीक्यू जो होगा आपका, ये आपका 0.7 मार्क्स के लिए होगा, ठीक है, सॉरी 1 एमसीक्यू 0.7 मार्क्स के लिए होगा। आपको इस तरीके से यहाँ पर आपको सारी चीजें फॉलो करनी है, ठीक है। तो 70 मार्क्स का स्प्लिट इन्होंने कुछ इस तरीके से करा है, दो पार्ट्स में आपका पेपर डिवाइड कर रखा है, जिसमें 50 एमसीक्यूज दोनों भी पेपर में पूछा जाएगा, पेपर वन रिसर्च मेथडोलॉजी, पेपर टू आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, 1 एमसीक्यूज 0.7 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आपके टोटल हो गए 50 एमसीक्यूज। तो आपको ये सारी चीज अच्छे तरीके से देख लेना है। इस तरीके से पेपर वन आपका 35 मार्क्स के लिए हो जाता है, पेपर टू 35 मार्क्स के लिए टोटल। तो यहाँ पर आपको इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना होता है, तभी आप नेक्स्ट स्टेप एंट्रेंस टेस्ट के बाद आपका सेकेंड स्टेप जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड स्टेप आपका जो होता है, ये आपका होता है 30 मार्क्स के लिए होता है आपका इंटरव्यू, ठीक है। तो एंट्रेंस टेस्ट को अगर आप क्वालिफाई करते हो तो सेकेंड स्टेप में आपको इंटरव्यू में अपियर होना पड़ता है, जिसके लिए आपको 30 मार्क्स प्रोवाइड करा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एंट्रेंस टेस्ट का सारा पैटर्न मैंने यहाँ पर डिटेल में बता रखा है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो, पेपर वन आपका रिसर्च मेथडोलॉजी है, जिसमें आपको 50 एमसीक्यूज पूछा जाएगा, हर एक क्वेश्चन 0.7 मार्क्स के लिए होगा। तो यानी अगर आप 50% यानी दोनों भी पेपर में से अगर आप एक पेपर अच्छे तरीके से कर लेते हो तो अगर आप इजिली इस यूनिवर्सिटी के पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं, आपका पेपर वन होता है रिसर्च मेथडोलॉजी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। यहाँ पर हम आपको रिसर्च मेथडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। वीडियो लेक्चर्स हमारे थ्योरी वीडियो लेक्चर्स भी होते हैं, प्लस एमसीक्यूज वीडियो लेक्चर्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। थ्योरी से पहले हम आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवाते हैं, हमको बताते हैं कि किस तरीके से सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना है, देन एमसीक्यूज से सारे ट्रिक्स हम आपको बताते हैं, देन उसके बाद नोट्स
नोट्स में हमने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है, और याद रखिएगा इंटरव्यू में भी आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमने नोट्स में कवर कर रखे हैं। देन मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट किसी भी एग्जामिनेशन के लिए मॉक टेस्ट बहुत हेल्पफुल होते हैं, जिससे कि आपको पता लगता है कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है, कितनी प्रिपरेशन आपकी बाकी है। टोटल हम आपको 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। देन उसी तरीके से हम एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं। इस पीडीएफ में मैं आपको बता दूँ, सारे जो सेंट्रल और सारे जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, सो उसके सारे जो एमसीक्यूज है यहाँ पर हमने इस पीडीएफ में आपको कवर कर रखे हैं। तो इस पीडीएफ में हमने सारे सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस पीडीएफ में हमने कवर कर रखे हैं, जिसमें 1500 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो मैं आपको बता दूँ, हमारे इसी कंटेंट से आपको 50 में से 40 to 45 एमसीक्यूज डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाएगा। ये हम आपको 100% गारंटी, 100% अश्योरिटी के साथ कहते हैं। 100% गारंटी है कि हमारे इसी कंटेंट से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हमारे इस कंटेंट को परचेज करने के लिए आपको स्क्रीन पर जो दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। याद रखना है आपको व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है, नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा। और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए लिंक मैंने आपके साथ कॉमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखा है। सो दैट्स इट, जैसे कि मैंने आपको बता दिया पैटर्न आपको किस तरीके से फॉलो करना है, किस तरीके से आपको स्टडी करना है। और जो आपकी ऑफिशियल नोटिस है, आपकी जो इस यूनिवर्सिटी की नोटिस है, उस पर हम चलते हैं और डिटेल में सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपकी, यहाँ पर मैंने यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखा है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर एमपी यूनिवर्सिटी। सो यहाँ पर ये ऑफिशियल लिंक है, ये भी मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे कि आप डायरेक्टली इस पेज को एक्सेस कर सको। अब यहाँ पर है पीएचडी एडमिशन नोटिस, तो फर्स्ट नोटिस हम पहले ओपन करते हैं। तो फर्स्ट नोटिस में इन्होंने यहाँ पर आपको पीएचडी प्रोग्राम के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन बता रखी है, जैसे कि यहाँ पर आपको देखना है पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना होता है। एप्लीकेशन फॉर्म आपके कब से स्टार्ट हुए हैं? 7th of July 2022। तो याद रखना है 7th July 2022 से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट होगी आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए 3rd of August 2022, यानी 3rd of August 2022 से पहले पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपके फिलअप कर लेना है। और अगर आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, आपके जो भी क्वेरीज होंगे, तो आप यहाँ से यूनिवर्सिटी के हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपके वर्किंग आवर्स में ही आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी के हेल्पलाइन नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना, आपके जो भी क्वेरीज आप यहाँ से पूछ सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जो नोटिस आपकी गई आई है, यहाँ पर आप देख सकते हो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, आपकी जो पीएचडी एडमिशन है उसके लिए यहाँ पर इन्होंने इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आपके लिए दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पेज नंबर 7 टाइप करना है, क्योंकि आपका पेज नंबर 7 से एक्चुअल इन्फॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है। और ये वाली लिंक भी, ब्राउचर के लिंक भी मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखी है, जिससे कि आप वन क्लिक में ही इस पेज को एक्सेस कर सको। अब यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर पीएचडी प्रोग्राम है, उसके लिए यहाँ पर इन्होंने एलिजिबिलिटी दे रखी है, यानी आपके मिनिमम आपके पास मास्टर्स डिग्री होने चाहिए, जिसमें आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। अब यहाँ पर रिलैक्सेशन इन्होंने दिया है, यानी अगर आप ओबीसी, एनसीएल, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज में बिलोंग करते हो, तो यहाँ पे आपको मिनिमम 5% का रिलैक्सेशन दिया गया, यानी आपको मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना ही है, ठीक है। 55 to 50, यानी 55 का अगर आप 5% करते हो तो हो गया यहाँ पर 50%। देन उसके बाद रिजर्वेशन, यानी आप यहाँ पर सीट्स भी रिजर्व कर सकते हो, जैसे कि आप अगर ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज में बिलोंग करते हो, तो यहाँ पर उन्होंने उनका परसेंटेज बता रखा है सारे कैटेगरीज वालों का, कितने परसेंट वो अपनी सीट्स को रिजर्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आप रिजर्वेशन, आपकी जो भी रिजर्वेशन, आपकी जो भी सीट्स आपको रिजर्व करनी है, तो यहाँ से आप उसकी इन्फॉर्मेशन रीड कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट, आपके जो पीएचडी है ये आप फुल टाइम में भी कर सकते हो और पार्ट टाइम पीएचडी भी कर सकते हो इस यूनिवर्सिटी से। इंटरनल पार्ट टाइम आपका इंटरनल और पार्ट टाइम एक्सटर्नल भी आप यहाँ से पीएचडी कर सकते हो। देन यहाँ पर आ गया प्रोसीजर ऑफ एडमिशन, एडमिशन का प्रोसीजर आपका किस तरीके से होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, जिसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 70 मार्क्स के लिए, जिसमें आपके दो पार्ट्स में आपका पेपर डिवाइडेड होगा। पार्ट 1 यानी पेपर 1, पार्ट A जिसमें आपको 50 MCQs पूछा जाएगा, जो कि आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी पर होगा, और हर एक क्वेश्चन जो आपका 0.7 मार्क्स का होगा। उस तरीके से पार्ट B भी आपके 50 MCQs पूछा जाएगा आपको, हर एक क्वेश्चन 0.7 मार्क्स के लिए होगा, जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। अब यहाँ पर आपको एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है
एंट्रेंस टेस्ट में आपको मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना है, यानी दोनों पेपर में से आपको, अगर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी भी अच्छे तरीके से प्रेपरेशन करते हो, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया रिसर्च मेथोडोलॉजी का, हम आपको यहाँ पर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि आप इजीली 100% हम आपको गारंटी भी दे रहे हैं कि 40 से 45 क्वेश्चन हमारे इसी कंटेंट्स आपको डायरेक्टली पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कोर्स के थ्रू भी आप स्टडी कर सकते हो, जल्द से जल्द आपको परचेस करना है स्टडी मटेरियल, जल्द से जल्द आपको सारी चीजें देख लेनी है, आपको स्टडी करनी है जल्द से जल्द, जिससे कि आपके अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो जाए और आपको इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन मिल जाए। और चलिए, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमारी बची हुई है उससे भी हम एक बार ही देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 50% आपको मार्क्स स्कोर करना है इस यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब नेक्स्ट इन्होंने बात रखा है कि यहाँ पर आपको 5% का रिलैक्सेशन अगेन दिया गया है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए, यानी अगर आप एससी एसटी कैटेगरीज में बिलोंग करते हो तो आपके जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम आपको 45% मार्क्स स्कोर करना होगा। देन नेक्स्ट, जिन कैंडिडेट्स ने यूजीसी नेट जेआरएफ सीएसआईआर ये सारे एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर रखा है तो वो एग्जेम्प्टेड हो गए फ्रॉम एंट्रेंस टेस्ट, यानी उनको एंट्रेंस टेस्ट में अपियर होने की कोई जरूरत नहीं है, उनको डायरेक्टली इंटरव्यू देना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न आप फॉलो कर सकते हो। देन नेक्स्ट है इंटरव्यू। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं तो उसी के बाद आपको इंटरव्यू देना होगा। इंटरव्यू आपका किस तरीके से होगा, एंट्रेंस टेस्ट को अगर आप क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आपको इंटरव्यू देना होगा, 50% मार्क्स आपको स्कोर करना ही है तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करा जाएगा, जिसमें यहाँ पर आपको जैसे प्रपोज रिसर्च है तो उसमें कुछ आपके कमिटमेंट्स होने चाहिए, आपके जो भी आपकी फील्ड है जिसमें भी आप रिसर्च कर रहे हो और रिसर्च मेथोडोलॉजी से आपके रिसर्च एरिया में आपको कुछ न्यू नॉलेज होनी चाहिए, कुछ एडिशनल आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इंटरव्यू आपका 30 मार्क्स का होगा और एंट्रेंस टेस्ट आपका टोटल 70 मार्क्स का, तो टोटल आपका जो होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन टोटल 30 और 70 टोटल हो गया 100 मार्क्स। अब यहाँ पर उन्होंने बता रखा है मेरिट लिस्ट आपके किस तरीके से प्रिपेयर करी जाएंगी, जिसमें आपके एंट्रेंस टेस्ट अगर आप यूजीसी नेट नेशनल लेवल के अगर आपने ऐसे एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर रखे तो पहले आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, प्लस इंटरव्यू के भी 30 मार्क्स आपके काउंट करा जाएगा, एंड डायरेक्टली जो एग्जेम्प्टेड है एंट्रेंस टेस्ट से उनका 100% पूरा इंटरव्यू पर बेस्ड होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप मेरिट लिस्ट आपकी डिजाइन करी जाएगी। देन नेक्स्ट, आपका जो पीएचडी प्रोग्राम है मिनिमम ड्यूरेशन है 3 ईयर्स, मैक्सिमम ड्यूरेशन है आपका 6 ईयर, जनरली जो यूनिवर्सिटीज में होता है ड्यूरेशन उसी तरीके से यहाँ पर इन्होंने पीएचडी का ड्यूरेशन बता रखा है। देन नेक्स्ट, डिपार्टमेंट वाइज सीट्स, इन्होंने यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज सीट्स बता रखी है, तो यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट्स में आप सीट्स देख सकते हो, जैसे अप्लाइड जियोलॉजी में 3, माइक्रोबायोलॉजी में 2, बॉटनी में 4, बिजनेस मैनेजमेंट में 6, केमिस्ट्री कॉमर्स, तो यहाँ से आप सारे कोर्सेज की सारे सब्जेक्ट्स की आप यहाँ से सीट्स देख सकते हो। देन नेक्स्ट है कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन, ठीक है। सो पहले हमने डिपार्टमेंट वाइज देख लिया था, अब यहाँ पर कैटेगरीज वाइज यानी यूआर यानी जनरल कैटेगरी में एससी एसटी ओबीसी तो सारे कैटेगरीज वाइज इन्होंने यहाँ पर सीट्स बता रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको सारे सीट्स देख लेने हैं। देन एंट्रेंस टेस्ट की आपकी फी कितनी होने वाली है, 1000 रुपीज फॉर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल कैटेगरीज वालों के लिए, और 500 रुपीज किसके लिए होने वाली है, जो एससी और एसटी कैंडिडेट्स है उनके लिए 500 रुपीज फी होने वाली है, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फी नहीं होने वाली है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने बता रखा है आपकी जो एंट्रेंस टेस्ट है उसके लिए अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हो, जिससे कि मैंने यहाँ पर फी बता रखी है, अगर आप एक बार फी फिल कर देते हो, फी आप सबमिट कर देते हो, तो उसके बाद आपको फी नहीं मिलेगी, नॉन रिफंडेबल है आपकी फी, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शंस दिया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस याद रखने हैं, जैसे यहाँ पर आपका ईमेल आईडी आपका वैलिड होना चाहिए, ठीक है, मोबाइल नंबर आपका प्रॉपर आपको टाइप करना है, जो अभी नेटवर्क में है आपका मोबाइल नंबर वही आपको देना है, कोई ऐसा नंबर नहीं आपको टाइप करना है जो कि बंद हो चुका है, ठीक है। आपको रिसेंट साइज के आपकी फोटोग्राफ होने चाहिए, जेपेक फॉर्म में होने चाहिए आपकी, स्कैन होनी चाहिए फोटोग्राफ, उसकी साइज इन्होंने बता रखी है, और जो आप सिग्नेचर करते हो उसका भी स्कैन होना चाहिए, और सिग्नेचर आपके ब्लू और ब्लैक पेन से ही होनी चाहिए, ठीक है। और पेमेंट आपको नेट बैंकिंग के थ्रू करना है, यानी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखना है, आपके एप्लीकेशन एंट्रेंस टेस्ट रिलेटेड आपको कंटिन्यूसली जो भी इन्फॉर्मेशन उन्होंने बता रखी है सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से फिलअप करना है,
प्रॉपर आपको रीड करना है इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, आपकी बर्थ डेट, आपकी कौन सी कैटेगरीज में है, तो उसके सर्टिफिकेट्स के बारे में, जैसे कि उन्होंने कैटेगरीज प्रॉपर मेंशन करी है, आप अगर आप ओबीसी एसटी में कैटेगरीज में बिलोंग करते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पर आपको जो भी कैप्चा दिया गया होता है उसको भी प्रॉपर आपको फिल करना है, एंड देन प्रोसेस करना है पेमेंट के लिए। आपको प्रॉपर आपका पेमेंट टाइप सेलेक्ट करना है, जिस भी टाइप से आप कर रहे हो पेमेंट, जैसे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू, प्रॉपर आपको सेलेक्ट करना है। रिसीप्ट आपको ले लेना है याद से, लॉग इन आईडी और पासवर्ड जो होता है आपको उसको अच्छे तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये मैंने आपके साथ सारी शेयर कर दी है। एलिजिबिलिटी, रिजर्वेशन जो सीट्स है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन का आपका किस तरीके से प्रोसीजर होने वाला है, एडमिशन का आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा, पार्ट ए पार्ट बी में आपका पेपर डिवाइडेड होता है, दोनों भी पार्ट में आपको 50-50 एमसीक्यूज पूछा जाता है, हर एक क्वेश्चन 0.7 मार्क्स के लिए होता है, क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 50 होता है, मिनिमम 50 मार्क्स स्कोर करना है, यानी आप अगर रिसर्च मेथडोलॉजी भी अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रेपरेशन करते हो तो ईजिली आपका इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हो जाता है। सो वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि हम आपको रिसर्च मेथडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें 1500 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर कर रखा है। काफी सिंपल वे में हमने सारा डिजाइन कर रखा है आपके लिए, कंटेंट, रिसर्च मेथडोलॉजी का, और 100% हम आपको पास करवाने की यहाँ पर गारंटी देते हैं। 100% क्वेश्चंस हमारे इसी कंटेंट से आपको पूछा जाएगा। तो आपको जल्द से जल्द हमारे इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है स्टडी मटेरियल को परचेस करने के लिए, और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिंक मैंने आपके साथ कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखी है। तो आपको सारी चीज अच्छे तरीके से देख लेना है, आपके जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरीज है, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।